Welcome students, today I am going to discuss the topic how psychology affects our teaching, instruction, learning or classroom procedure. As you people know, psychology handles the systematic or scientific study of human behavior. But why we have to study the science of psychology, a science of human behavior, to a successful teacher, to a successful instructor or successful class classroom facilitator. यहाँ पे दो तीन बातों को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा. यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है. हम सभी ने अपने बीएड या अपने बीएलएड, अपने जीबीटी, अपने ईटी या जो भी टीचिंग ट्रेनिंग का जो हमने जो टीचिंग ट्रेनिंग का जो हमने कोर्स किया हुआ, उसमें हमने एक साइकोलॉजी को एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के फॉर्म में हमने सब ने पढ़ रखा है यहाँ पे. लेकिन साइकोलॉजी के भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है. बट वन ऑफ देम विच पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ हाईली डीपली मीनिंगफुली कोरिलेटेड विद आवर लर्निंग, विद आवर क्लासरूम डिस्कोर्स, विद आवर प्यूपिल वर्ल्ड. दिस इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्थात शैक्षणिक मनोविज्ञान. एजुकेशनल साइकोलॉजी का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? एजुकेशनल साइकोलॉजी का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल थेरीज, जो भी मनोविज्ञान में जो भी सिद्धांत हैं, जो भी थेरीज हैं, उनको हम अपनी कक्षाओं में, उनको हम अपने क्लास में किस प्रकार से अप्लाई कर पा रहे हैं, या साइकोलॉजिकल थेरी को हम सीखने सिखाने के प्रोसेस से, लर्निंग के प्रोसेस से, मोटिवेशन के प्रोसेस से, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंटल फिगर से, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट से, बच्चों के इंटेलिजेंस से, और सबसे बड़ी बात, बच्चों के एक ओवरऑल डेवलपमेंटल फैसेट से कोरिलेट करते हुए अपनी क्लासरूम टीचिंग को कैसे ऑप्टिमाइज रखते हुए उस बच्चे के नीड्स को या उस बच्चे के रिक्वायरमेंट को हम एज अ एजुकेशन दे पा रहे हैं या नहीं. एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से हमें एक ये भी इंसाइट मिलता है, एक ये भी रिफ्लेक्शन मिलता है कि क्लास में जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, क्या आपको उस बच्चे की एक पहचान, उस बच्चे के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है, या वो एक सिर्फ एक डेवलपिंग चाइल्ड नहीं है? क्या वो किस टाइप से अपने लर्निंग को देख रहा है, किस टाइप से अपने लर्निंग को करना चाहता है, उसका लर्निंग का नेचर क्या है, उसका लर्निंग का ऑर्डर क्या है? क्या दो बच्चा बिल्कुल हमें दिखने में बेशक सेम दिखे, एज में, सेक्स में, कलर में, कम्प्लेक्शन में, हाइट में, वेट में, हम इन डिफरेंसेस को तो देख पाते हैं, लेकिन उसके भीतर इंटेलिजेंसी, उसके भीतर इमोशनल अदर फैसेट्स में जो डिफरेंसेस हैं, क्या उस डिफरेंसेस को हम देख पाते हैं? नहीं, ये डिफरेंस दिखता नहीं है. और शायद इसी से या इसी पक्ष से कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट का भी रास्ता दिखता है. कि हम लोग बोलते हैं ना कि विकास दिखता नहीं है, विकास गुणात्मक होता है, क्वालिटेटिव होता है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें यहाँ पे इक्विप्ड बनाता है कि हम बच्चों के इन नॉन ऑब्जर्वेबल पहलुओं को समझें, और इसी पहलू को समझने में हमें सबसे ज़्यादा इक्विप्ड जो हमें साइंस या जो हमें क्षेत्र या जो हमें ब्रांच साइकोलॉजी का बनाता है, उसे बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशनल साइकोलॉजी के माध्यम से हमें बच्चों के बहुत अलग अलग पक्ष के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है, उसके उनके इंडिविजुअल वेरिएशन के बारे में, चाइल्ड बिहेवियर के बारे में, बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को लर्न करता है, उनके क्वालिटी ऑफ लर्निंग के बारे में, उनके लर्निंग के वेरियस फैसेट्स के बारे में, उनकी इंटेलिजेंसी के बारे में, है ना, किस टाइप से बच्चा अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है, अपने आप को सिस्टमेटिकली डेवलपमेंटल प्रोसेस में प्रोसीड करा सकता है, और वहाँ पे एज ए टीचर एज पर रिकमेंडेड बाय NCF 2005, और वहाँ पे एज ए टीचर, एज ए फैसिलिटेटर, एज एन इंस्ट्रक्टर, हमारा अपना क्या रोल हो सकता है, हम कैसे उस बच्चे को मीनिंगफुली सपोर्टेड चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट दे पाते हैं, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में डेवलपमेंटली अच्छे से ग्रो कर सके, बच्चे को मोटिवेट कर सके, उसके इमोशंस को
अच्छे से सस्टेन कर सके, इमोशंस को और ज़्यादा मीनिंगफुली हम उसे मीनिंगफुली उसे बच्चों के फेवर में कर सके वहाँ पे, ताकि बच्चे का लर्निंग ऑप्टिमाइज तरीके से, बच्चे का लर्निंग सस्टेन तरीके से आगे बढ़ सके और बच्चा जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक स्कूली वर्ल्ड से, एक स्कूली संसार से कनेक्ट हो रहा है, हम उसके उस उद्देश्य को या उनके माता पिता या समाज के उस उद्देश्य को वहाँ पे एक एक एजुकेशनल संस्था के सदस्य होने के नाते हम इस जिम्मेदारी को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। बच्चा जब स्कूल में आता है या व्हेन चाइल्ड एंटर्स द स्कूल, कहाँ भी आता है कि वो नहीं आता, वो अपने एक पूरे कल्चर को लेकर आ रहा है, एक पूरे वातावरण, पूरे एक पर्यावरण को लेकर आ रहा है, अपने आसपास के पूरे एक सोशल एरिना को लेकर आ रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें सिर्फ उस बच्चे को समझने में ही सक्षम नहीं बनाता है, उस बच्चे के आसपास का जो भी एक सोशियो कल्चरल एरिना है, जो भी एक सोशियो कल्चरल फैसेट है ना, जो भी उसका कल्चर है, जो भी उसका सिविलाइजेशन है, इन सब चीज़ को समझने में हमारी मदद करता है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी बातों से, ये बातें हमें एक इन सभी डिस्कशन से हमें ये बातें समझ में आ रही है कि ओवरऑल बच्चे को समझने के लिए, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को और अच्छे से बच्चों के फेवर में करने के लिए, बच्चे को उस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम में एक पाइवोटल रोल प्ले करने के लिए, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना और सबसे बड़ी बात अच्छे से समझना, उस बच्चे को समझने के लिए शायद ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।